नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2017 यानी 22/7/2017 को जो UPSI का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को। जैसा कि आप सभी को पता है, जो UPSI 2017 का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर था वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड था। पहला पार्ट था सामान्य हिंदी का, दूसरा पार्ट था मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का, तीसरा पार्ट था किसका तो मैथमेटिक्स का, और चौथा पार्ट किसका था तो रीजनिंग का। प्रत्येक पार्ट में 40 प्रश्न पूछे गए थे। तो 2017 के एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए थे टोटल 160, उनको हम बारी बारी करके सॉल्व करेंगे। इस पहले पार्ट में हम सामान्य हिंदी के 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 2017 के UPSI एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और 2017 के UPSI एग्जाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के 40 प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया था सामान्य हिंदी का, वह था जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे, सही ऑप्शन का आपको चयन करना था। तो इसका जो राइट आंसर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी जो ऑप्शन डी है इसका बिल्कुल सही था। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज से हम UPSI की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको UPSI का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा डेली बेसिस पे। जैसे हिंदी को पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, इसके कॉन्सेप्ट से लेकर इसकी थ्योरी से लेकर इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको सॉल्व आपको कराया जाएगा। उसके बाद मूल विधि के जो प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए उसको सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान और जो संविधान के प्रश्न पूछे जाते हैं UPSI से उसको, उसके बाद मैथमेटिक्स की कंप्लीट क्लास आपको उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद रीजनिंग यानी कंप्लीट जो सिलेबस है UPSI का इस बार 2019 में पूछा जाएगा उसको कंप्लीट कराया जाएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा सिटी पे। तो आज से आप हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, आपको डेली बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी UPSI की। तो यहाँ पे जो हिंदी है, हिंदी का जो कंप्लीट सिलेबस है आपको आज से एक एक लेक्चर उपलब्ध कराया जाएगा, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तो पहला प्रश्न हमारा क्या था, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, जिन वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है पहचान कीजिए। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है कि कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला वाक्य क्या है, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य क्या है, विश्वनाथ अपने परिवार के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है, ये दूसरा वाक्य है। उसके बाद इसमें से तीसरा वाक्य क्या है, कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। और चौथा क्या है, तो चौथा वाक्य है, यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त, हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना होगा। तो इसमें जो सबसे व्याकरण की दृष्टि से सबसे शुद्ध वाक्य है वो ऑप्शन ए, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। तो इसे आप याद रखिएगा, ये शुद्ध या अशुद्ध वाक्य से रिलेटेड एक या दो प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए देख लेते हैं क्या था ये, भारतीय क्रिकेट टीम ने सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट --खालिस्तान है में विश्व विजेता बनने का --कपिल देव को दिया गया। तो आपको रिक्त स्थान में भरना है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसके जो रिक्त स्थान है ऑप्शन बी सही होगा, भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला, यहाँ पे होगा श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का श्रेय यहाँ पे हो जाएगा कपिल देव को जाता है। तो ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल सही था। अगला है, दिए गए विकल्पों में से पोलिंग शब्द कौन सा है, आपको पोलिंग शब्द इसमें से पहचानना था। तो इसका जो राइट आंसर जो नृप होता है वह पोलिंग शब्द होता है, बाकी जो है राजा हो गया, नरपति, भूपाल आदि नृप कहा जाते हैं। इसे नृप को राजा कहा जाता है, नरपति कहा जाता है, भूपाल कहा जाता है, इसे भी पर्यायवाची शब्द हैं नृप के, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। अगला है, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है आपको उसका चयन करना, मतलब आपको शुद्ध शब्द इसमें से छांटना है। तो ये प्रतिवर्ष
मैंने आपको जैसा बताया कि 2 से 3 प्रश्न प्रतिवर्ष शुद्ध अशुद्ध से पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स के लिए, इसको ध्यान से आपको करना होता है ऐसे प्रश्नों को। तो यहाँ पे जो इसमें से त्रुटि नहीं मतलब शुद्ध जो शब्द है इसमें से क्या है उसको आइए देख लेते हैं। तो पहला शब्द हमारा है छत्री छाया, दूसरा शब्द है छत्र छाया, उसके बाद छत्र छाया है, उसके बाद छत्रो छाया है। तो इसमें से जो सही शब्द है वो है छत्र छाया होता है, यानी जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, जो छत्र छाया है इसमें से सबसे शुद्ध शब्द है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वह बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। छठवां जो प्रश्न पूछा गया था, इसमें से कौन सा विकल्प है जो शब्द अलंकार का भेद नहीं, यानी जो शब्द अलंकार है इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना था। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है अनुप्रास, जो अनुप्रास अलंकार होता है वह शब्द अलंकार का भेद नहीं होता है, बाकी श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और रूपक अलंकार ये जो तीनों हैं ये शब्द अलंकार के भेद होते हैं, और इसमें से जो अनुप्रास है यह शब्द अलंकार का भेद नहीं होता है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। अगला है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है, प्रविशेषण है या विशेष्य है या विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो ऐसे प्रश्न भी लगातार पूछे गए हैं एग्जाम में एसआई के, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है, प्रविशेषण है, मतलब प्रविशेषण होता है क्या, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है, तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहा जाता है, तो इसमें जो प्रविशेषण शब्द वो है सबसे है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का कौन सा अर्थ है, तो आपको इसमें से अपेक्षा का अर्थ बताना था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अभिलाषा, तो अपेक्षा का जो सही अर्थ है इसमें से अभिलाषा होता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन कौन सा वाक्य है, मतलब इसमें से आपको शुद्ध वाक्य छांटना है कि इसमें से कौन सा है वाक्य जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं। देखे दोस्तों यहाँ पे 3 प्रश्न 2017 में शुद्ध अशुद्ध से पूछे गए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए शुद्ध और अशुद्ध को छांटना। तो इसमें से जो त्रुटिहीन शब्द है वो कौन सा है, तो ऑप्शन डी इसमें का बिल्कुल सही मारा था, शरीर में ताकत होनी चाहिए जो शब्द है बिल्कुल शुद्ध है, बाकी जो शब्द थे वो गलत थे। जैसे पहला क्या था, शरीर पर ताकत होनी चाहिए, बिल्कुल ही गलत शब्द है। उसके बाद शरीर से ताकत होनी चाहिए, भी अशुद्ध शब्द है, त्रुटिहीन है। उसके बाद शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, भी त्रुटिहीन है। बाकी जो चौथा है, शरीर में ताकत होनी चाहिए, शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न 10वां पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना का मुहावरा है, तो यहाँ पे मुहावरे से एक प्रश्न आया गया था, शब्द सब्ज बाग दिखाता का क्या मुहावरा होता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए झूठे वादे करना, मतलब सब्ज बाग दिखाना का मुहावरे का जो अर्थ है वो झूठे वादे करना था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न पूछा गया था, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, तो आपको बताना था पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना मुहावरे का अर्थ, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी लकीर का फकीर होना, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न था, दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द आपको बताना था, तो अवनी का विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द आपको बताना था, तो अवनी का जो विलोम शब्द होता है वो अंबर होता है, तो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही है, अवनी का विपरीतक या विरुद्धार्थी शब्द होता है अंबर। अगला इंपॉर्टेंट है, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग आपको छांटना था, तो इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, तो ऑप्शन जो डी है काया, काया स्त्रीलिंग इसमें से शब्द है, बाकी जो पुदीना हो गया, चूल्हा हो गया, भ्रमर हो गया, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अगला है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय पूछा गया था, कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय क्या होता है, तो इसका आशय होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही था इसका। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल बताइए, तो लिखित भाषा में हम अपने वाक
अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं यह किस वाक्य का काल है, तो इसका जो काल है यह है बी, सामान्य वर्तमान काल की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऑप्शन जो इसका बी था वह बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था एग्जाम में, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यह मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो पंक्ति में आपको अलंकार बताना था, तो इसका जो राइट आंसर है रूपक अलंकार, यानी ऑप्शन जो सी था बिल्कुल सही था, इसमें रूपक अलंकार था, मैया मैं तो चंद खिलौना लय हो, तो ऑप्शन जिसका सी बिल्कुल सही था। अगला जो इंपॉर्टेंट है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो यहाँ पे रिक्त स्थान से भी दो प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल, तो ये दूसरा प्रश्न है। क्या है इसका शब्द देख लेते हैं, वाक्य क्या है, यह रास्ता डैश 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 है सावधानी पूर्वक चलें, तो इसमें जो खाली स्थान है आपको उसकी पूर्ति करनी थी, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, यह रास्ता दुर्गम है कृपया सावधानी पूर्वक चलें, तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल सही होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय आपको बताना था, तो इसका जो राइट आंसर होता है अंधे के हाथ बटेर लगना का ऑप्शन ए, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना इसका राइट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट है, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय व खाए बौराए जग या खाए बौराए में अलंकार आपको बताना है, काफ़ी सिंपल सा ये, लगभग सभी प्रकार के एग्जाम में ये पूछा ही गया अलंकार है, तो इसका राइट आंसर है यमक अलंकार। तो कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय व खाए बौराए जग या खाए या देखे बौराए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक। तो यहाँ पे जो कनक शब्द है दो बार, मतलब इसमें शब्दों की आवृत्ति एक से दो बार होती है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे कनक कनकते सौ गुनी, यहाँ पे कनक शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है इसमें से, और उनका जो दो शब्द बार बार आते हैं उनकी अर्थ भी अलग होता है। यहाँ पे पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा, तथा दूसरे कनक का अर्थ होता है क्या होता है, तो स्वर्ण से दूसरे कनक का अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप पहला कनक जिसका धतूरा अर्थ है आप लिए धतूरा को खाते हैं तो आप पागल हो सकते हैं, धतूरा काफ़ी जहरीली चीज़ होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप धतूरा खाएंगे तो आप बौरा जाएंगे, मतलब आप पागल हो सकते हैं, आप मर भी सकते हैं, मतलब जो धतूरा होता है वो काफ़ी जहरीली चीज़ होती है। उसके बाद दूसरा कनक का शब्द अर्थ होता है स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना, तो मान लीजिए सोना, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को काफ़ी अधिक मात्रा में मिल जाता है तो एक ही बार में काफ़ी अधिक सोना मिलने पर उसके होशो आवास खो सकते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ या देखे बौरा है। तो यहाँ पे यमक अलंकार की विशेषता होती है कि एक से अधिक बार किसी शब्द की आवृत्ति होती है तथा उन शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा है, तो इसका संक्षिप्त का अर्थ आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मुख्तसर, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही था। अगला इंपॉर्टेंट है, उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के डैड डैड डैश नहीं थी, तो इसमें खाली स्थान का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर था 21वें का हमारा ऑप्शन बी, उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के योग्य नहीं थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में से उल्द शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए, तो इसमें उल्द शब्द का सही विलोम शब्द छाटना था, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, तो ऑप्शन जो ए है अध, मतलब अध इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्द शब्द का, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू कब किया गया था, तो ऑप्शन ए 1835 में अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, उसमें रिक्त स्थान को आपको भरना है, उसके साथ रामायण और महाभारत काल के विमान, रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे ऐसा हमने अपने डैड डैड डैश से सुना है और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका खाली स्थान किया गया है, तो आपको दो शब्द भरने हैं इन खाली स्थानों में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी, ऑप्शन बी क्या है, बड़ो और वर्णन, देख लेते हैं एक बार वाक्य को, जो है रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना है
और यहाँ पे पहले में बड़ो पढ़ाया जाएगा और दूसरे में हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन यानी जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन जो है सॉरी वर्णन होगा, वर्णन यहाँ पे किया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न था, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद आपको करना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुधन आगत, स्वागत का सही संधि विच्छेद होता है। अगला इंपॉर्टेंट है, काक पद का उपयोग कब होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन जो डी छूटे हुए अंश के लिए, तो काक पद का जो उपयोग होता है वो होता है छूटे हुए अंश के लिए, तो ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा, काक पद का जो उपयोग होता है छूटे हुए अंश के लिए होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछा गया था, अग्नि परीक्षा किसकी रचना है, तो यह जो अग्नि परीक्षा है यह आचार्य तुलसीदास द्वारा लिखित एक कृति है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था। अगला इंपॉर्टेंट है, द प्लस अ प्लस क प्लस स प्लस अ इक्वल टू क्या होगा, 28वां प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मण, तो सॉरी ऑप्शन जो इसका है सी दक्ष हो जाएगा, दक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, द प्लस अ प्लस क प्लस स प्लस अ इक्वल टू दक्ष होगा। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण शब्द में शुद्ध रूप का चयन कीजिए, मतलब ब्राह्मण सही रूप से कैसे लिखा जाता है, तो इसका जो ब्राह्मण होगा ऑप्शन जो सी ऑप्शन बी वाला है ब्राह्मण वो बिल्कुल सही है। अगला है, भारत की खोज कृति किसकी है, काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, आई होप इसका जवाब सभी को पता ही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो प्रश्न था वो था गद्यांश से रिलेटेड 31 से लेकर 33 के मध्य जो गद्यांश प्रश्न है उनको गद्यांश को पढ़ के आपको उसका जवाब देना था, तो ये गद्यांश क्या था एक बार ये पढ़ लेते हैं। राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदास हैं, उन्होंने समाज और जनजीवन में फैल रहे अनाचार को रोकने के लिए राम के ऐसे आदर्श रूप को प्रस्तुत किया जो व्यक्ति परिवार समाज और राजनीति में आदर्श मर्यादाओं की स्थापना करते हैं, जो जीवन के विरोधों में समन्वय का संदेश देते हैं, भारतीय समाज ऐसे राम को पाकर मध्य युग की बर्बलता में भी जीवित रह सका, तो ये गद्यांश है और गद्यांश से को पढ़कर आपको 31 से 33 के बीच के प्रश्नों का जवाब देना है। आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या है। पहला, जो व्यक्ति परिवार समाज और राजनीति के आदर्श मर्यादाओं की स्थापना करते हैं, जो जीवन के विरोधों में समन्वय का संदेश देते हैं, उपयुक्त वाक में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर था 31वें का क्या था, ऑप्शन डी पहले में अल्प विराम चिन्ह लगाया गया, दूसरे में अल्प विराम और दूसरे तीसरे में पूर्ण विराम, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, संत कवि ने किसके जीवन पर रचना किया, तो ऑप्शन बी इसका राम के जीवन पर रचना की थी, आप गद्यांश पढ़े होंगे तो इसका जवाब आसानी से आप दे सकते हैं। अगला है, बर्बलता शब्द का समानार्थी शब्द इसमें पूछा गया था, तो इसका आई होप सभी जवाब दे सकते हैं, इसका बर्बलता शब्द का समानार्थी हो जो क्या होता है, तो ऑप्शन इसका बी निरसनता बर्बलता का समानार्थी यानी पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रश्मि रथी किसके रचयिता, मतलब रश्मि रथी के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रश्मि रथी लिखी गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, इसमें जो वाक्य रेखांकित किए गए घर और लोग शब्दों का वचन बदलिए, तो इसमें घर का जो वचन बदल के एक वचन से बहुवचन क्या होगा, तो इसका जो बहुवचन हो जाएगा घर का घरों होता है और लोग का लोगो हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है डी इसका बिल्कुल सही है। इसका मान लीजिए घर का वचन आप एक वचन से बहुवचन करें तो इसका घर हो जाएगा और लोग का लोगो हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अवगान शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, समानार्थी शब्द का मतलब पर्यायवाची होता है, आप इसे ध्यान रखिएगा, तो अवगाहन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो ऑप्शन डी छानबीन होता है। अगला इंपॉर्टेंट है, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विशेषण है, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी अनिश्चित संख्या वाचक, मतलब यहाँ पे कई लोगों मतलब यहाँ पे संख्या का कोई
सटीक अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही, अनिश्चित संख्या वाचक। अगला इंपॉर्टेंट है, हमारा अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया, रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का प्रयोग करें। तो रेखांकित शब्द के स्थान पर जो उपयुक्त विकल्प है इसमें सही हो सकता है ऑप्शन डी अध्यापक वृंद, यानी ऑप्शन डी इसमें से रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है अध्यापक वृंद। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शब्द के जिस रूप में से यह ज्ञात हो कि वह खाली स्थान का है या स्त्री जाति का, उसे डैश 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 कहते हैं। तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, पुरुष जाति और लिंग, पहले में पुरुष जाति भरा जाएगा। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। लास्ट प्रश्न जो सामान्य हिंदी का पूछा गया था यूपीएसआई एग्जाम 2017 में, वो था आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को वर्ष 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें करंट अफेयर्स के भी प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में, तो इसे भी आप ध्यान रख के तैयारी करिएगा। तो आग की हंसी काव्य संग्रह उपन्यास के लिए 2015 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यह दिया गया था रामदरस मिश्रा को। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, रामदरस मिश्रा को वर्ष 2015 में इनके काव्य संग्रह आग की हंसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों, हमने 2017 में जो यूपीएसआई एग्जाम हुआ था उसमें 40 प्रश्न जो सामान्य हिंदी के पूछे गए थे उसको हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया। अब हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान, संविधान और मूल विधि के प्रश्नों को जो 2017 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए इसके पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।